हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स 2019 सितंबर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीपीएससी लेक्चरर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन फिल्म हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2019। तो इसका राइट आंसर है गली बॉय। ऑस्कर 2019 में गली बॉय फिल्म को नॉमिनेट किया गया है। गली बॉय एक गरीब लड़की की कहानी है जिसमें वह आगे जाके कैसे अपने टैलेंट की बेस पर अपनी पहचान बनाता है, इसे दिखाया गया है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इसे जरूर देखें, ये काफी इंस्पिरेशनल मूवी है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इन द वर्ल्ड एज पर द आईएमडी वर्ल्ड रैंकिंग 2019 रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर है 44th। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग रिपोर्ट 2019 में इंडिया की वर्ल्ड में 44th पोजीशन है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लीगेसी, एंड द राइट आंसर इज सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी रिसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लीगेसी के ऑथर हैं। इस बुक में इन्होंने नेहरू मॉडल ऑफ सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग बोरोड फ्रॉम सोवियत यूनियन के हाइस एंड लोस को क्रिटिकली एनालाइज किया है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू वॉन सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019, एंड द राइट आंसर इज अमित फंगार। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहला इंडियन बॉक्सर अमित फंगार जी हैं। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ एन उत्तराखंड फार्मर विद्या दत्त हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर, एंड द राइट आंसर इज मोतीबाग। मोतीबाग इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्री फिल्म के साथ साथ ही इसमें कैरेक्टर का नाम भी याद रखना चाहिए। जैसे इसका इस मूवी में जो कैरेक्टर है वो है विद्या दत्त का, जो कि एक उत्तराखंड का फार्मर है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन जो है वो घुमा के दे देते हैं, वो ना कि मूवी के बारे में पूछ सकते हैं, इसके अलावा वो उस पार्टिकुलर फार्मर के बारे में पूछ सकते हैं कि जिसकी बेस पे ये कहानी बेस्ड है। तो इसलिए आप इसमें इस कहानी में जो इस फार्मर ने जो किरदार निभाया है उसका नाम भी याद रखें। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड संस्कृत लैंग्वेज कंपल्सरी फ्रॉम 3rd to 8th grade इन ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो कि पहली स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। आज के सच में संस्कृत लैंग्वेज का स्कोप कम होता जा रहा है। अगर ऐसे ही होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि संस्कृत लैंग्वेज पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी, और ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया है 3rd to 8th grade में। अब चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु टुक चार्ज एज द 26th चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स सक्सीडिंग एयर चीफ मार्शल बीएस धनोवा, एंड द राइट आंसर इज राकेश कुमार सिंह भदौरिया। 26th चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स का राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने चार्ज ले लिया है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर टू फ्लाई इंडिजेनसली बिल्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। तो इसका राइट आंसर है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह पहले डिफेंस मिनिस्टर हैं कि जो इसने एलसीए तेजस से हवाई यात्रा की है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एज पर अनाउंसमेंट मेड बाय द चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा हैदराबाद कर्नाटका रीजन कंप्राइजिंग बीदर बलारी कालाबुरागी कोप्पल रायचूर एंड यादगीर वुड बी रीनेम्ड हैज, एंड द राइट आंसर इज कल्याण कर्नाटका। तो मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के अनाउंसमेंट के बाद हैदराबाद कर्नाटका रीजन जिसके अंतर्गत बीदार बलारी कालाबुरागी कोप्पल रायचूर एंड यादगीर को कल्याण कर्नाटका के नाम से जाना जाएगा। अब चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी विल फ्लैग ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट नॉन इंडियन रेलवे जन पैसेंजर ट्रेन बिटवीन लखनऊ एंड दिल्ली ऑन October 4, 2019 ऑफरिंग पैसेंजर्स बेटर एम्यूनिटीज एंड अ रिफंड ऑफ 100 rupees इफ द ट्रेन इज लेट बाई एन आवर। तो इसका राइट आंसर है
इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IRCTC एक ऐसी नॉन इंडियन रेलवेज कंपनी है जिसने लखनऊ और दिल्ली के बीच ट्रेन स्टार्ट की है 4 अक्टूबर 2019 से, और ये भी प्रॉमिस किया है कि अगर ट्रेन 1 आवर भी लेट होती है तो वो 100 रुपीज़ पर आवर लेट चार्ज पैसेंजर को देंगे। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओवर 6 करोड़ इफ्को सब्सक्राइबर्स टू गेट हाउ मच परसेंट इंटरेस्ट फॉर 2018-19 एंड द राइट आंसर इज 8.6% इंटरेस्ट। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द वर्ड रीओन्ड सेफ हुज डायरेक्टोरियल डेप्यूट द लास्ट कलर वॉन द बेस्ट फीचर अवार्ड एट द इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन। तो इसका राइट आंसर है विकास खन्ना। वर्ल्ड के रिनोन्ड सेफ विक्रम खन्ना, जिनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू द लास्ट कलर को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग सेट अ न्यू रिकॉर्ड इन क्यू स्पोर्ट बाय विनिंग हिज 22nd वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल एट द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2019 एंड द राइट आंसर इज पंकज अडवाणी। तो IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2019 में 22nd वर्ल्ड बिलियर्ड टाइटल पंकज अडवाणी को मिला है, जो कि एक न्यू रिकॉर्ड है क्यू स्पोर्ट्स में। अब ये भी जान लेते हैं कि यह क्यू स्पोर्ट्स क्या होता है। तो ये भी एक टाइप का स्पोर्ट्स होता है जिसमें क्यू स्पोर्ट्स में जनरली क्यू स्टिक से खेला जाता है, जिसमें क्यू स्टिक से बिलियर्ड बॉल्स को स्ट्राइक करना होता है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द सेंटर हैज प्लेज्ड टू प्रोवाइड हाउ मच फंड टू ECGC इन नेक्स्ट 5 ईयर एंड द राइट आंसर इज 8,500 करोड़। तो सेंटर ने ECGC को अगले 5 सालों में 8,500 करोड़ का फंड प्रोवाइड करेगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लोकयुक्त ऑफ आंध्र प्रदेश एंड द राइट आंसर इज जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी। आंध्र प्रदेश का पहले लोकयुक्त जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी को अपॉइंट किया गया है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द 44th पर्सन इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द एंड्योरो मैन एंड द राइट आंसर इज मयंक वेड। दुनिया का 44वां और भारत का पहला पर्सन मयंक वेड है जिन्होंने एंड्योरो मैन को कंप्लीट किया है। अब ये जान लेते कि एंड्योरो मैन ये टर्म क्या है। तो एंडेरो मैन एक ट्राइएथलॉन है जो दो वर्ल्ड की दो ब्यूटीफुल सिटीज को कनेक्ट करता है, जो कि लंदन और पेरिस है। सच में दोनों सिटी बहुत ब्यूटीफुल हैं। अब ये जो एंडेरो मैन है ये 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, जिसमें जो फर्स्ट स्टेज है वो रनिंग होती है, दूसरी स्टेज स्विमिंग होती है और जो तीसरी स्टेज है वो बाइक राइडिंग होती है। इन तीनों को इस कॉम्पिटिशन में क्लियर करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो दोस्तों, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू ट्रांसलेट एंड पब्लिश एन एंथोलॉजी ऑफ द राइटिंग्स ऑफ गुरु नानक देव इन वर्ल्ड लैंग्वेजेस टू मार्क हिज 550 बर्थ एनिवर्सरी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप नोट डाउट कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है यूनेस्को। यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन ने यह डिसाइड किया है कि गुरु नानक देव की 550th एनिवर्सरी पर उनके संकलन को वर्ल्ड की डिफरेंट भाषाओं में ट्रांसलेट और पब्लिश किया जाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच क्रिमिनल लॉयर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95 ऑन September 8, 2019 एंड द राइट आंसर इज राम जेठ मलानी। तो ऑन September 2019 एट द एज ऑफ 95 क्रिमिनल लॉयर राम जेठ मलानी की मृत्यु हो गई थी। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड साउथ एशियाज फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन, द पाइपलाइन विल कनेक्ट इंडिया विद विच नेशन। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए एंड द राइट आंसर इज नेपाल। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली साउथ एशियाज फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन को इनॉग्रेट किया है। यह पाइपलाइन इंडिया को नेपाल से कनेक्ट करेगी। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू ओवरसी द बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू यूनियन टेरिटरीज। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा राइट आंसर है संजय मित्रा कमिटी। तो यूनियन गवर्नमेंट द्वारा संजय मित्रा कमिटी को जम्मू एंड कश्मीर
के यूनियन टेरिटरी में विभाजन के बाद उस पर नजर रखने के लिए बनाया गया है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इन झारखंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू नेशन द सेकेंड मल्टी मॉडल टर्मिनल कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर गंगा एंड बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 290 करोड़ अंडर जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट एंड द राइट आंसर इज साहिबागंज। साहिबागंज वो प्लेस है झारखंड की जिसपे सेकेंड मल्टी मॉडल टर्मिनल को रिवर गंगा पे कॉन्स्ट्रक्ट किया गया है जिसकी लागत 290 करोड़ है अंदर जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के थ्रू। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच एयरपोर्ट इंडियाज टॉलेस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर वॉज इनॉग्रेटेड टू इनहेंस सेफ्टी एंड एफिशियंसी ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड द राइट आंसर इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिया का टॉलेस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का इनॉग्रेशन हुआ है जो कि एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज की सेफ्टी और एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द राइट आंसर इज प्रमोद कुमार मिश्रा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रमोद कुमार मिश्रा को अपॉइंट किया गया है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2019 एंड द राइट आंसर इज पीके सिन्हा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल एडवाइजर पीके सिन्हा को अपॉइंट किया गया है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विच एम्स टू कंट्रोल द लाइव स्टॉक डिजीजेस बाय 2025 एंड इरेडिकेट दीज बाय 2030। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड द राइट आंसर इज नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य 2025 तक लाइव स्टॉक डिजीजेस को कंट्रोल करना है और बाय 2030 इसको भारत से उखाड़ फेंकना है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु स्वॉर्न इन एज द गवर्नर ऑफ राजस्थान रिसेंटली एंड द राइट आंसर इज कलराज मिश्रा ने गवर्नर ऑफ राजस्थान की हाल ही में शपथ ग्रहण की है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरीज विल हैव अ कॉमन हाई कोर्ट एंड द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो कि न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी है और उनका जो हाई कोर्ट होगा वो कॉमन रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हु रिसेंटली एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज ऑन September 3, 2019 एंड द राइट आंसर इज सुनील अरोरा। सुनील अरोरा भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हु रिसेंटली एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज ऑन September 3, 2019। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री वॉन द स्वच्छ भारत अवार्ड इन स्वच्छ एक्शन प्लान कैटेगरी। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। एंड द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने स्वच्छ प्लान कैटेगरी में स्वच्छ भारत अवार्ड जीता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द एक्टिविस्ट हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द चेंज मेकर अवार्ड 2019 बाय द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन फॉर हर वर्क टुवर्ड्स एबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज इन द राजस्थान। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड द राइट आंसर इज पायल जहांगीर। तो पायल जहांगीर को हाल ही में चेंज मेकर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उन्हें राजस्थान में बाल विवाह को समाप्त करने या कम करने के काम के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द मैथमेटिशियन एजुकेटर एंड फाउंडर ऑफ सुपर 30 फ्रॉम बिहार हु हैज बीन अवार्डेड एजुकेशन एक्सलेंस अवार्ड एंड द राइट आंसर इज आनंद कुमार जो कि बिहार से हैं, उनको एजुकेशन एक्सलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में इनकी बायोग्राफी सुपर 30 को देश विदेश में रिलीज किया गया है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो इस मूवी को जरूर देखें, ये काफी इंस्पिरेशनल मूवी है।
आप चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच 178 ईयर ओल्ड ब्रिटिश ट्रेवल कंपनी कोलैप्स्ड रिसेंटली ड्यू टू बैंक्रप्टसी, एंड द राइट आंसर इज थॉमस कुक। थॉमस कुक जो कि 178 ईयर ओल्ड ब्रिटिश ट्रेवल कंपनी है जो कि बैंक्रप्टसी के वजह से रिसेंटली कोलैप्स हो गई है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड द राइट आंसर इज क्रिस्टेलिना जॉर्जेवा। क्रिस्टेलिना जॉर्जेवा को हाल ही में न्यू चीफ ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सेलेक्ट किया गया है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच नेशन टॉप्ड द IMD वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019, एंड द राइट आंसर इज USA। USA ने IMD वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019 में टॉप प्लेस हासिल की है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2019 इज ऑब्जर्व, एंड द राइट आंसर इज 26 सितंबर। 26 सितंबर ऑफ को वर्ल्ड मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया गया, और 2019 का मैरीटाइम थीम जो था वो एम्पावरिंग वुमेन इन द मैरीटाइम कम्युनिटी था। तो दोस्तों इस दिन पे, इस मैरीटाइम डे पे क्या थीम था उसको भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डेयर यू, यू हैव स्टोलन माई ड्रीम्स माई चाइल्डहुड विद योर एम्प्टी वर्ड्स, हु सेड दीज वर्ड्स, ब्लास्टिंग ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स ड्यूरिंग द 2019 UN क्लाइमेट एक्शन समिट इन न्यूयॉर्क, एंड द राइट आंसर इज ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग ने इन वर्ड्स को 2019 UN क्लाइमेट एक्शन समिट में कहा था जो न्यूयॉर्क में हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द फीफाज बेस्ट मैंस प्लेयर अवार्ड 2019 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, एंड द राइट आंसर इज लियोनल मैसी। लियोनल मैसी को फीफा बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड 2019 को उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए मिला है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द फीफाज बेस्ट वुमेन प्लेयर अवार्ड 2019 फॉर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, एंड द राइट आंसर इज मेगन रैपिनो। मेगन रैपिनो को फीफा बेस्ट वुमेन प्लेयर अवार्ड 2019 को उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच टेलीविजन सीरीज वॉन द आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज अवार्ड इन द 71st एमी अवार्ड, एंड द राइट आंसर इज गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज को 71st एमी अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज अवार्ड मिला है, जो आई थिंक हम सबने देखी है और इसे पसंद भी किया है। अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लीज इस सीरीज को देखें, यही बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द 2019 थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज, एंड द राइट आंसर इज क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। क्लाइमेट एक्शन ऑफ पीस 2019 का इंटरनेशनल डे ऑफ पीस का थीम है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड द फर्स्ट वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सेफ्टी ऑफ पेशेंट, एंड द राइट आंसर इज 17 सितंबर। 17 सितंबर को WHO वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे को सेलिब्रेट करता है, जिसमें WHO पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए अवेयरनेस को वर्ल्ड में बढ़ाता है। ये भी क्वेश्चन जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द चेयरमैन ऑफ अलीबाबा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट हु हैज स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोस्ट, एंड द राइट आंसर इज जैक मा। जैक मा जो कि अलीबाबा शॉपिंग साइट के चेयरमैन है, उन्होंने अपनी चेयरमैन की पोस्ट से स्टेप डाउन कर लिया है, या हम कह सकते इस्तीफा दे दिया है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉन US ओपन 2019 मेन्स सिंगल टाइटल बाय डिफीटिंग डैनियल मेडवेडेव इन द फाइनल, एंड द राइट आंसर इज राफेल नडाल। राफेल नडाल ने हाल ही में डैनियल मेडवेडेव को हराकर US ओपन 2019 मेन्स सिंगल का टाइटल अपने नाम किया है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉन US ओपन 2019 वुमेन्स सिंगल टाइटल बाय डिफीटिंग 23 टाइम मेजर चैंपियन सेरेना विलियम इन द फाइनल, एंड द राइट आंसर इज बियानका एंड्रेस्क्यू। बियानका एंड्रेस्क्यू ने सेरेना विलियम्स को हराकर US ओपन 2019 वुमेन्स सिंगल का टाइटल अपने नाम किया है। वहीं एशलिक बार्टी ने फ्रेंच ओपन जीता है।
अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड, एंड द राइट आंसर इज 8 सितंबर। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट वॉज हेल्ड ऑन 23 सितंबर 2019 विद द थीम अ रेस वी कैन विन, एंड द राइट आंसर इज न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो कि नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, वहां 23 सितंबर को यूएन क्लाइमेट एक्शन सबमिट हुई थी जिसका थीम अ रेस वी कैन विन था। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें ये आप इसके साथ साथ अगर थीम भी पूछ सकता है तो थीम पर भी आप नजर डालिए, थीम को भी आप याद कर लीजिए। और थीम क्या था, अ रेस वी कैन विन। अब चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट डिफीटिंग बांग्लादेश इन द फाइनल्स हेल्ड इन कोलंबो श्रीलंका, एंड द राइट आंसर इज इंडिया। इंडिया ने कोलंबो में बांग्लादेश को हराकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द श्रीलंकन क्रिकेटर हु हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर टू क्लेम 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल्स, एंड द राइट आंसर इज लसित मलिंगा। लसित मलिंगा श्रीलंका के पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट्स लिए हैं। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज फॉर्मली लॉन्च द यूएस स्पेस कमांड विच ही सेड विल इंश्योर दैट अमेरिका डोमिनेंस इन स्पेस इज नेवर थ्रेटेंड एमिड्स एडवांसेस मेड बाय कंट्रीज लाइक रशिया एंड चाइना, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्पेस कमांड। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पेस कॉम। स्पेस कॉम इज द नेम ऑफ दिस कमांड जिसका लॉन्च प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। और ये जान लेते हैं कि अब इसका लॉन्च क्यों किया गया है। तो इसका लॉन्च इसलिए किया गया बिकॉज अमेरिकाज डोमिनेंस इन स्पेस इज नेवर थ्रेटेंड एमिड्स एडवांस मेड बाय कंट्रीज लाइक रसिया एंड चाइना। मतलब अगर रसिया और चाइना जितना भी साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें पर वो अमेरिका को कभी ना हरा पाए, इसीलिए इन्होंने क्या किया था, स्पेस कॉम जो कमांड है उसे लॉन्च किया है। अब चलते हैं हमारे अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉर्मर लेग स्पिनर फ्रॉम पाकिस्तान हु पास्ड अवे ऑन 6 सितंबर 2019, एंड द राइट आंसर इज अब्दुल कदीर। अब्दुल कदीर पाकिस्तान के भूतपूर्व लेग स्पिनर है जिनका निधन 6 सितंबर 2019 को हो गया था। तो दोस्तों ये सितंबर मंथ के टॉप 50 MCQs हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसे आप अच्छे से नोट डाउन और पढ़ लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में आपको ये आप इसमें से जितने भी क्वेश्चन आए वो सब सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, वंदे मातरम।